ये क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी 2020 ने 5,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर अपने गेन कर लिए हैं, जिसमें वीडियो तो अनलिमिटेड है, बहुत सारी वीडियो 300 400, मतलब हमारे पास में इसमें नहीं दिख पा रहा है कैसे, चलिए छोड़िए। तो मेन बात यह है कि आज ही सुबह ये दो वीडियो डाली है, ठीक है, जिसमें अच्छे व्यू भी आ रहे हैं, और व्यू से मतलब नहीं है, मतलब है आपके कॉल और मैसेज आने से भी, आपके कमेंट आने से भी। आपको प्रॉपर्टी अगर समझ में आ रही है तो आप उस पर विजिट करने के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और आपको दिखाते हैं कि हमारा एक्चुअली में प्लॉट है कहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको प्लॉट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ से DIT की कनेक्टिविटी और अदर कनेक्टिविटी भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, प्लॉट आएगा हमारा यहाँ पर, प्लॉट आएगा हमारा ये वाला जो है एरिया, हाँ ये वाला एरिया है प्लॉट का, ठीक है। मैं भी आपको फोटोज़ वीडियोज़ भी दिखाऊंगा, पहले मैप में समझ लीजिए। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एरिया आ रहा है ऐसे, एक्चुअली में प्लॉट है यहाँ पर, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ये रोड जा रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास में एंड का प्लॉट है, इसके नीचे ये जो है ये ढाल शुरू हो जाती है, जहाँ पे आपको नेवर लास्टिंग वाला व्यू मिलता है, मतलब कि इस साइड में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होना है। आप प्लॉट पे विजिट करेंगे तो समझ जाएंगे। ये सामने एक घर बना है, रोड आ रही है, ये रोड है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लॉट बन रहा है। अब मैं आपको प्लॉट का साइज समझाने जा रहा हूँ, तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा ये कैसा प्लॉट बन रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये है रोड, ठीक है, ये रोड हो गई। ये रोड का साइज़ है 20 फिट, जो कि पेपर में भी है और मोके पर भी है, ठीक है। प्लॉट यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से 55, मतलब 55 फिट है। इस साइड से प्लॉट जाएगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से प्लॉट आ जाएगा 58, ओ सॉरी 56.4, ठीक है। प्लॉट का फ्रंट आ जाएगा 26.7 और प्लॉट पीछे से है 38.11, ठीक है। तो ये आपका जो फ्रंट है ये नैरो है, पीछे से बड़ा है, तो इसको इसको बोलते हैं हम गौमुखी। गौमुखी वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लॉट होता है, वास्तु के हिसाब से कहा जाता है गौमुखी प्लॉट है, तो उसमें आपका जो भी धन आता है वो घर में ही रहता है, ठीक है, यहाँ घर से बाहर नहीं निकलेगा आपका धन। इसकी दिशा की बात कर लेते हैं, ये वाली जो दिशा बैठ रही है ये इसकी दक्षिण दिशा बैठ रही है। दक्षिण दिशा मतलब इंग्लिश में बोले तो साउथ फेस, ठीक है। और इस साइड में जो आपका पूरब बैठ रहा है, पूरब यानी कि ईस्ट साइड, वहाँ से आपको ओपन है, इस एरिया में भी ओपन है, यहाँ से भी आप बंद नहीं करेंगे, यहाँ से भी आपका खुला है। तो आपको जो धूप होगी, जो सनलाइट होगी, क्योंकि सूरज यहाँ से उगेगा, ये सूरज है यहाँ से उगेगा, ये ट्रैवल करता हुआ इस रास्ते से ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे करके ना ये इधर पे वेस्ट साइड में आके यहाँ पे सेट करता है, ठीक है। तो आपका जो दिशा के हिसाब से प्लॉट है उसमें आपको मॉर्निंग से लेकर और इवनिंग तक की सनलाइट यहाँ पर मिलती है प्रॉपर, वो भी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि प्लॉट में क्या कंस्ट्रक्शन होगा, वो तो आपकी टेंशन लेनी है, मतलब धूप की मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अपना होम स्टे करके यहाँ पे एक होम स्टे है, तो यहाँ से हमें प्लॉट पे विजिट करने से पहले हम इस होम स्टे के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग रुक के गए होंगे जिनके रिव्यू हम चेक करेंगे, उससे हमें पता लगेगा एरिया के बारे में, लोकेशन कैसी है। ओके, ब्यूटिफुल प्लेस टू स्टॉप, ग्रेट टाइम एट एंड द इवनिंग व्यू स्पार्किंग ऑफ देहरादून फ्रॉम द टेरेस, ठीक है। मतलब ये अपने होम स्टे के टेरेस से जब देख रहे थे तो पूरा इनको देहरादून का बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था। ब्यूटीफुल होम स्टे नियर मसूरी, ठीक है, मसूरी तो आपको पता ही है, व्यू के मामले में बहुत अच्छा है। हाँ, नाइस प्लेस टू स्पेंड लवली टाइम विद अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। जो चीज़ें टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी है तो वो चीज़ें रहने के लिए भी बहुत अच्छी है। अमेजिंग प्लेस टू स्टे, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए देहरादून में ज़मीन लेना चाहते हैं, उस चीज़ को अगर आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आपको कोई यहाँ पर डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, खास करके व्यू को लेके। अब मैं आसपास की फ़ोटोज़ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको
यहाँ से DIT दिखा देता हूँ, ये है अपना प्लॉट, ये देखें, यहाँ है आपका प्लॉट अपना होम स्टे के पास में, और ये है DIT यूनिवर्सिटी। रोड मैप कैसा है, आप प्लॉट से बाहर निकले, मेन रोड पे आए, मेन रोड पे आपको ज़्यादातर होम स्टे ही मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एरिया इतना खूबसूरत है ये। यहाँ से आपने पहला आते हुए लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेके इस रोड को आप सीधा पकड़ के रखें, कहीं आपको मुड़ना नहीं है, जहाँ जहाँ रोड लेके जाती है आप मुड़े और ये आ गए आप मेन मसूरी रोड पर। मसूरी मतलब कि जो मसूरी डाइवर्जन वाली रोड है, मैक्स हॉस्पिटल को या फिर मसूरी को जो रोड जाती है, आप सीधा उसके पास आ गए हैं। ठीक है, मैं इस जगह पे आपको एक बार पिन ड्रॉप करके रोड भी दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आ रही है देखिए रोड, ठीक है, चौड़ी इनफ है रोड, आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइडनेस इनफ है, एक गाड़ी आने जाने के लिए, एक गाड़ी आ सकती है, एक गाड़ी जा सकती है, इनफ है। ठीक है, आसपास में घर देखें और कितनी खूबसूरती से बनाए हैं, वो चीज़ों को देखें, बाउंड्री से ही पता लग रहा है कितने खूबसूरत घर है इधर। ये देखिए कितने खूबसूरत घर है यहाँ पे, ये देखिए। तो ऑफकोर्स ऐसी जगह पे रहने में आपकी सेहत पे भी फ़र्क पड़ता है। और यहाँ देखिए सावमी लक्ष्मण जू, अच्छा जू के लिए भी जाता है ये रास्ता, कोई मार्ग लिखा है इस पर। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ से आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल रही है। ठीक है, देहरादून के बहुत अच्छे पोश एरिए में है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल रही है। तो चलिए फटाफट प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस प्लॉट का जो साइज़ आ रहा है ये 209 गज का है। ठीक है, इसकी जो डिमांड रखी गई है वो 30,000 रुपये गज की रखी गई है। ठीक, तो ये हो जाएगा 62 लाख के आसपास में ये सौदा कहीं आपको बैठता है। थोड़ा बहुत निगोशिएट करा के राउंड फिगर में लेके जाएंगे इसको, तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो साइट विज़िट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर निकाल सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मेरा नंबर बिज़ी है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको प्लॉट की विज़िट करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी आपसे दूसरे वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए प्रॉपर्टी 2020 देहरादून।